उधमसिंह नगर में एक नटवर लाल ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। एक ऐसे गुरुजी के पोल खुली है जो शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंक कर 25 साल से नौकरी कर रहा था। वैसे फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करना कोई आम बात नहीं है। यही कारण है कि आज इस शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने का मामला सामने आता रहता है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ऐसे फर्जी अध्यापकों को कई सालों तक मोटी तनख्वाह भी देता रहता है, लेकिन कई बार SIT जांच में हुए खुलासे के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है और साथ ही आरोपी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी शिक्षक के खिलाफ दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसमें धीरज का जो मामला है, ये पता चला है कि इन्होंने अपने जो मार्कशीट और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसमें इन्होंने वो वास्तविक रूप से इनके नहीं होकर के किसी अन्य व्यक्ति के नाम से थे, तो उसके दस्तावेजों का प्रयोग करके इनके द्वारा उस नौकरी को प्राप्त किया गया है। तो इस पर पूर्व में SIT जांच हुई थी, उसके बाद दोबारा विभागीय स्तर से जांच हुई। विभागीय जांच में हमारी एक टीम इलाहाबाद गई थी, वहाँ जांच से सिद्ध हो चुका है कि इनका जो अनुक्रमांक था वो वास्तविक रूप में इनके नाम पे, उस अनुक्रमांक पे इनका नाम नहीं था वरन किसी अन्य व्यक्ति का नाम था। लगभग 22 साल उनको हो गए हैं शिक्षा देने में, तो ये पढ़ते हुए पहले इनका कहीं पहाड़ में पोस्टिंग हुई थी, उसके पश्चात 2005 में ये काशीपुर आए थे। हाँ, एक रामशरण सिंह हैं, वो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जूनियर हाई स्कूल से 2018 में रिटायर हो चुके हैं। तो उनके दस्तावेज में ये बात आई है कि उनकी वास्तविक जन्मतिथि जो 1954 थी, उन्होंने 1957 उस पर दिखाई है। तो उन्होंने अपना जो रिटायरमेंट एज होती है उसे 3 साल अधिक की नौकरी उन्होंने करी है, 3 साल ज़्यादा लाभ प्राप्त की है। हाँ, इन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया गया है, यहाँ पर IGI थाने में इनके खिलाफ, धीरज के खिलाफ दर्ज किया गया है। देखिए, हमारे पास ये उपखंड शिक्षा अधिकारी काशीपुर की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि एक धीरज सिंह नाम का व्यक्ति जो है उसने टीचर की जॉब करी है, काफ़ी साल तक करी, लेकिन उसके जब प्रमाण पत्रों की जाँच करी गई तो उसमें जो उसका 10th का सर्टिफिकेट था वो फर्जी पाया गया। तो इस पर SIT द्वारा जाँच भी करी गई है, उसके बाद तहरीर के आधार पर उसने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। ये IPC की धारा 420, धारा 467, 468, 471 में पंजीकृत किया गया।